संसद मार्ग पर इनके लिए रिपोर्ट कराने के लिए आए, एफआईआर लिखाने के लिए आए, क्या आप बहुजन मीडिया के माध्यम से ऐसे लालाओं को, रामदेव लालाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो वो रामदेव नहीं, राम का नाम तो उसने लगाकर भी राम का भी नाम कलंकित कर दिया। वो हरामदेव है क्योंकि उसको हराम का पच गया है, ये गोमूत्र और गोबर और पता नहीं क्या क्या गलत सलत चीज़ें बनाकर वो बेच रहा है और लोग अंधभक्ति में खरीद रहे हैं। तो उसको, मुझे उसके प्रोडक्टों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं कभी उसके प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करती, और अपने पड़ोसी को बोलते कि यूज़ मत करना, क्योंकि एक बार मेरी जिठानी ने उसका आई ड्रॉप यूज़ कर लिया था जिसमें 50 या 60 रुपये या 100 रुपये का उसका प्रोडक्ट रहा होगा, लेकिन उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आई ड्रॉप डालने के बाद आँख से दिखना ही बंद हो गया और 10,000 में ऑपरेशन हुआ मेडिकल हॉस्पिटल में। ये प्रूफ है मेरे पास में, चाहे तो मैं कभी भी मीडिया को दिखा सकती हूँ प्रूफ कि मेरी जिठानी का वहाँ ऑपरेशन हुआ मेडिकल के अंदर। तो ये हरामदेव जो है अपने ही उसमें रहे, औकात में रहे, क्योंकि अगर हम मूल निवासियों को छेड़ने की कोशिश करेगा तो इसको दूसरी भी आँख गंवानी पड़ेगी। अभी तो एक आँख से देखता है तो यही बहुत है, अगर दूसरी आँख से इसको प्यार नहीं है तो इसकी दूसरी आँख भी हम फोड़ने का काम कर सकते हैं। ये जो अनाप शनाप उसने हमारे खिलाफ जो बोला है, आतंकवादी का है, तो अभी तक तो हम आतंकवादी नहीं हैं, अभी तक तो हम आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन अगर तुमने हमें आतंकवादी बनने में मजबूर कर रहे हो तो तुम्हारी टांगे तोड़ दी जाएंगी, हम महिलाओं द्वारा ही तुम्हारी टांगे तोड़ दी जाएंगी, क्योंकि हम इस देश में हम मूल निवासी हैं और महिलाएं भी हैं। तो ये जो तुमने अपशब्द कहे, या तो इन अपशब्दों के बदले आप माफ़ी मांग लीजिए और आपकी एफआईआर दर्ज यहाँ पर हो रही है, हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई है पार्लियामेंट थाने में उनके हरामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए, और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, ये ध्यान रखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।